साथियों, हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक प्यार भरा नमस्कार। पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में तहे दिल से भावपूर्वक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइप गैस्केट के बारे में। गैस्केट क्या होता है, गैस्केट कितने टाइप का होता है, गैस्केट का साइज और क्लास कैसे पता करते हैं, गैस्केट का सिलेक्शन कैसे होता है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं सबसे पहले गैस्केट क्या होता है। गैस्केट एक सीलिंग मटेरियल या एलिमेंट है जिसको दो फ्लेंजों के बीच में लगाकर ऑपरेटिंग के दौरान होने वाले लीकेज यानी रिसाव को बचाया जाता है। अब जानते हैं गैस्केट के टाइप के बारे में। गैस्केट जनरली तीन प्रकार का होता है, नॉन मेटालिक, मेटालिक, कंपोजिट या सेमी मेटालिक। नॉन मेटालिक गैस्केट मस्ट यूज होने वाले कॉमन गैस्केट होता है, इसको सॉफ्ट गैस्केट भी बोलते हैं। यह तीन टाइप का होता है, CNF यानी कंप्रेस्ड नॉन एस्बेस्टस फाइबर गैस्केट, PTFE यानी टेट्राफ्लोरोथीन गैस्केट, इसे टेफ्लोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है रबर गैस्केट। इन सभी नॉन मेटालिक गैस्केट को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिए यूज करते हैं। नॉन मेटालिक गैस्केट को 150 और 300 क्लास के फ्लेंज के साथ यूज करते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन सर्विस के लिए कभी नहीं यूज करते हैं। यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है। यह फुल फेस या हाफ फेस में आते हैं। फुल फेस यानी फ्लेंज के पूरे फेस को कवर करता है और जो फ्लेंज में स्टड डालते हैं गैस्केट के अंदर से डालते हैं, जबकि हाफ फेस गैस्केट में बोल्ट के चारों तरफ इनसाइड में डालते हैं। यह फ्लेंज के रेस फेस वाले हिस्से में ही होता है। तो ये था नॉन मेटालिक गैस्केट। अब जानते हैं मेटालिक गैस्केट के बारे में। मेटल गैस्केट मेनी टाइप के होते हैं। यहाँ चार प्रकार के गैस्केट के बारे में बताया हूँ, फ्लैट एंड ग्रू मेटल गैस्केट, कोरुगेटेड मेटल गैस्केट, राउंड क्रॉस सेक्शन, सॉलिड मेटल गैस्केट, ओवल या ऑक्टागोनल रिंग गैस्केट। मेटालिक गैस्केट में प्रायः रिंग गैस्केट या आरटीजे गैस्केट का ही यूज करते हैं। मेटालिक गैस्केट सॉफ्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड मोनल से बनते हैं। यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए यूज किया जाता है। यह हाई प्रेशर क्लास फ्लेंज के लिए यूज किया जाता है जिसमें फ्लेंज का क्लास 900 के ऊपर होता है। मेटालिक गैस्केट के साथ हाई टेंशन का बोल्ट यूज किया जाता है। यह सबसे कॉस्टली यानी महंगा होता है। नेक्स्ट है कंपोजिट या सेमी मेटालिक गैस्केट। यह चार प्रकार का होता है, कम प्रोफाइल गैस्केट, इनवेलप गैस्केट, मेटल जैकेट गैस्केट, स्पाइरल उन गैस्केट। कंपोजिट गैस्केट सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। यह वाइड रेंज या मीडियम प्रेशर और टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। यह नॉन मेटालिक गैस्केट से महंगा और मेटालिक गैस्केट से सस्ता होता है। कंपोजिट गैस्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो गैस्केट है वह स्पाइरल उन गैस्केट। स्पाइरल उन गैस्केट में तीन कंपोनेंट होता है, आउटर रिंग, इनर रिंग एंड वाइंडिंग मटेरियल। इसमें इनर रिंग हमेशा यूज नहीं होता है। यह सर्विस रिक्वायरमेंट यानी वैक्यूम होने का चांस रहता है तो उस टाइम इनर रिंग का यूज होता है। इसमें जो वाइंडिंग मटेरियल होता है यह ग्रेफाइट फाइट या PTFE का एक अल्टरनेटिव लेयर होता है जो वी शेप या डब्ल्यू शेप में कंप्रेस होता है। इसमें जो यहाँ लिखा रहता है 2 इंच, 4 इंच, 10 इंच आदि, यह गैस्केट का साइज होता है। और साइज के बाद जो लिखा रहता है यह गैस्केट का प्रेशर और क्लास होता है। अब जानते हैं गैस्केट का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि फ्लूड सर्विस के हिसाब से कैसा गैस्केट लगने वाला है। गैस्केट सर्विस टेम्परेचर, सर्विस प्रेशर, कोरोजन रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ फ्लूड, मैकेनिकल लोडिंग इफेक्टिंग द गैस्केट, कॉस्ट, इन सब पैरामीटर के हिसाब से गैस्केट यूज करते हैं। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहां तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।